अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनिल खान लूनी। आज मैं हूं एक हमारे बंद की ज़मीन का टुकड़ा है। बंद से मुराद होती है वो ज़मीन जहां पर रिवर का पानी नहीं आता, बारिश के बेसिस पे जो है ना आप कल्टीवेशन करते हैं। तो ये आप पीछे देख रहे हैं पूरी कपास है, और यहां पीछे जो है अब जो है वो गंदम की तैयारी हो रही है। आगे कपास उगी हुई है और पीछे गंदम की तैयारी हो रही है। तो ये पूरा तकरीबन 13 एकड़ का ज़मीन का टुकड़ा है, जिसमें जो है ना इवेंचुअल प्लान इज़ कि मैंने जो है ना कीकर का जो है ना फॉरेस्ट जो है ना वो लगाना है। तो स्ट्रेटजी हमने ये की है कि इसमें सबसे पहले तो आपको वो ट्यूबवेल नज़र आ रहा होगा, वो ट्यूबवेल जो है वो मैंने क्या कहते लगाया था यहाँ पर, वो घर भी बना कर दिया है ताकि वो फैमिली जो है ना वो यहाँ पर रहे और ट्यूबवेल का ध्यान रहे। सो ये जो है पूरी कपास है, अभी हमने ये कि फर्स्ट ईयर में कपास लगाई है। एंड व्हाट वी हैव डन इज़ कि यहाँ पर 12-12 फिट की गैप पे जो है ना नालियाँ जा रही हैं, उसमें जो है ना हमने जो है ना कीकर के बीच लगाए हुए हैं, ताकि जब कपास कटेगी तो 12-12 फुट की स्पेसिंग के लिहाज से जो है वो कीकर जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह ये जो ज़मीन है वो अब यहाँ पर हमने गंदम जो है वो अब काश करनी है, और यहाँ पर भी हमने जो है ना 12-12 फुट के गैप से जो है हमने गंदम जो है वो के नालियों में जो है ना वो अभी से ही हमने जो है कीकर लगा दी है, और बीच में जो है ना वो पूरा कीकर उगेगा। सो द एंटायर लैंड जो है उसमें जो है ना वो कीकर, ये 12 के 13 एकड़ ज़मीन है, सब में जो है वो मैंने कीकर लगाना है। अभी फ़िलहाल बाउंड्री वॉल पे मैंने लगाए थे, वो ठीक रिज़ल्ट आया 2 साल पहले। तो ये बीच में आप देख सकते हैं, अब क्योंकि प्लान इज़ कि जब आप जंगल बनाते हैं तो उसका बाय प्रोडक्ट या पूरे इको सिस्टम में बकरियों का होना बहुत लाजमी है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये लूसन लगाया हुआ है हमने, ये पूरा एंड तक जाएगा, इधर से जो है ना बकरियों के लिए जो है ना चारा का जो है ना पूरा बंदोबस्त होगा। तो फॉरेस्ट एग्रो फॉरेस्ट्री आपको करनी पड़ती है। उसका प्लान ये होता है कि आप गैप से दरख्त लगाते हैं, पहले 2 साल जो है उसमें आपका फसल काश्त हो जाती है, कपास हो जाएगी, गंदम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आपके दरख्त बड़े होते हैं तो फिर जो है उसमें साये की वजह से कुछ काश नहीं हो सकता। तो वहाँ पर सिर्फ जो है ना जो चीज़ उग सकती है वो घास है, चारा, लूसन, जो भी इस किस्म की वैरायटी, अब तो थ्रू आउट द ईयर जो है वो चारा उग जाता है। तो वो फिर आप उसमें फिर बकरियों पालते हैं ताकि वो घास जो है ना वो इस्तेमाल हो सके। तो इस तरह एक पूरा एक सिस्टम होता है जहाँ पर जंगल भी आपका होता है, एक बकरियों की चरागाह भी बन जाती है और चारे का बंदोबस्त हो जाता है। अगर चारा फ्री है तो फिर बकरियों से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कोई नहीं है। अब ये ज़मीन जो है ये सारी रखी हुई है हमने उसके लिए गंदम के लिए, ये आप देख सकते हैं ये कीकर है। हमने जो है 5-5, 6-6 फुट की बेसिस पे जो है ना सीड्स डाल दिए थे 2 महीने पहले, अब वो सब के सब उग गए हैं। ये देखिए ये हो गए। अब क्योंकि हमने सीड्स जो हैं वो अच्छे खासे डाले थे तो गुच्छों की सूरत में जो है ना वो निकल गए। तो आज जो है ये आप देखें, अब हम उनकी जो आपको नज़ारा है बंदा, ये इन सबको एक्स्ट्रा कीकर जो है इसको निकाल रहा है। ये देखें ये मल्टीपल लगे हुए शाखें, इन सबको जो हम निकाल लें ताकि स्पेसिंग जो है उसकी अच्छी होती जाए। ये सारा देखें, ये हमने सारा कीकर अभी जड़ों से निकालें, ये सारे के सारे कीकर हमने जो है ना निकाल कर फेंक दिए। हाँ नायद, कितने निकल गए कीकर? निकाल ले कीकर जी। ये गुच्छा कितने गुच्छे में लगे हुए यहाँ पर जी? ये सारा लगा, ये सारा 12-12 फुट के फासले से हमने कीकर लगाया हुआ है ना जी? ठीक है, और ये अभी ट्रैक्टर चलने वाला है बीच में गंदम के लिए। तो दिस इज हाउ यू डू फॉरेस्ट्री, कि आप ये नहीं चाहते एक ही वक्त में दरख्त लग जाए ताकि सारी ज़मीन ज़ाया जाए। सो द प्लान इज़ कि आप स्पेसिंग से दरख्त लगाए ताकि उसमें जो है वो बीच में फसल उग सके, 2 साल के बाद चारा उग सके, और आप बकरियां और दरख्त एक साथ पाल सकते हैं। तो आई थिंक इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस, क्योंकि वुड एंड मीट आर 2 थिंग्स विच आर गोइंग टू गेट वेरी एक्सपेंसिव इन द फ्यूचर। आबादी बढ़ रही है पाकिस्तान की, लोग कहाँ से खाएँगे? तो अगर आप ये कर सकते हैं सिस्टम अपनी ज़मीन पर, थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए होता है क्योंकि ट्रीज़ टेक टाइम, बट बेस्ट यूटिलिटी ये कि आप बीच में पूरा बकरियों का सिस्टम डाल दें घास का, तो उससे जो थोड़ा बहुत आपका वेटिंग पीरियड है उसमें यू कैन अर्न प्रॉफिट एज वेल। तो ये बेसिकली
जैसे ही मैं दोबारा कपास की तरफ आ गया, जैसे ही कपास कटेगी, ये देखें यहाँ की कपास भी, इस हफ्ते भी थोड़ा सा वायरस लगा है बट कपास की फसल ठीक है। तो जैसे ही ये फसल कटेगी, अंदर से जो ना कीकर जो है ना वो चाचा दो दो फुट, एक दो दो फुट के जो है ना निकल आएंगे जब इनकी कटिंग हो जाएगी, तो फिर जो है ना आप उसको ना पूरा प्रॉपर प्रोजेक्ट लेके ना वो आगे चल सकते हैं। तो आई होप ये आपको आइडिया पसंद आया होगा कि किस तरह आप जो है ना फॉरेस्ट बिल्ड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है ना दरख्तों की, तो कहते हैं ना आपकी कमेटी दल जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग ट्रेडिशनल, कि आप ट्रेडिशनली जो है बस वही चीज़ें करते जाएँ फसल वगैरह, अगर आप दरख्त लगाते हैं तो और साथ बकरियाँ पालते हैं, तो इससे ज़्यादा बेस्ट बिजनेस मेरे नहीं ख्याल से कोई चीज़ हो सकता है। आई होप आपको पसंद आया होगा ये आइडिया। थैंक यू सो मच।